यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का बड़ा प्लान एसपी ने 7 प्लान बनाया है। जी अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर नजर रहेगी, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्लान तैयार किया गया है और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिहाज से समाजवादी पार्टी का ये बहुत बड़ा प्लान है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला है, इसमें दलित यानी अनुसूचित जाति के मतदाताओं की अहम भूमिका है और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। लिहाजा अपने इस वोट बैंक को जो इनके साथ जुड़ा है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर नजर रहेगी। महिला मतदाताओं के लिए खास रणनीति और 3 महिलाओं को भी 9 सीटों में टिकट दिया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता साथ में रैली भी करते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं, एक बूथ 20 यूथ की रणनीति भी तैयार की गई है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के खिलाफ समाजवादी पार्टी पीडीए पर ही फिलहाल फोकस करती हुई दिखेगी। जमीनी प्रचार के साथ ही पोस्टर और सोशल मीडिया पर प्रचार पर फोकस किया गया है और एसपी नेता जनता से संवाद करेंगे तो अपनी अपनी रणनीति, अखिलेश का ये 7 सूत्री प्लान आपको हम दिखा रहे हैं। एक ओर जहां बीजेपी की ओर से अष्टभुजा प्लान तैयार किया गया है, वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी की अगुवाई में ये मुकाबला अब तैयार किया गया है और लड़ाई जो करहल में होने जा रही है, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, अनुजेश प्रताप सिंह वर्सेस तेज प्रताप यादव के बीच लड़ाई है। तो काफी दिलचस्प ये मुकाबला रहने वाला है और इसके लिए आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी प्लान तैयार किया गया है। करहल में फूफा वर्सेज भतीजा, ये लड़ाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी।